आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करी थी उसमें हम चार्ज 1, 2, 3, 4 इस तरह के कुछ चार्ज लेते हैं, मतलब डिस्क्रीट चार्ज लेते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो उस बॉडी पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके दो वेज हो सकते हैं। एक वे हो सकता है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, दूसरा तरीका है कि जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है, सपोज मैंने किसी बॉडी पर चार्ज दिया तो एक तरीका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और दूसरा वे क्या हो सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या है। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, लेटिए, और मैंने इसको कुछ बाहर से एक्सटर्नल चार्जेस पे अप्लाई किया है, चार्ज इसको दिया है। तो सपोज चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि आप किसी भी पोर्शन में देखो, अगर आपको उस पोर्शन में सेम अमाउंट का चार्ज मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको किसी भी पोर्शन में सेम अमाउंट का चार्ज मिल रहा है, सेम अमाउंट मिल रहा है चार्ज का। सपोज मैंने यहाँ पे एक पोर्शन बनाया, ये स्मॉल पोर्शन में ले लिया, इसमें कितने चार्ज आ गए, चार्ज। उतने ही मैंने इस यहाँ पर एक पोर्शन लिया, यहाँ पे भी कितने चार्ज है, चार। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोल सकते हैं इसको, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओवर द एरिया हो सकता है, ओवर द लेंथ हो सकता है, ओवर द वॉल्यूम हो सकता है, वो तीन तरीके हैं। दूसरे डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखो तो यहाँ पे हो सकता है डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एरिया में तो बहुत ज्यादा चार्ज आ जाए, किसी में बहुत कम चार्ज हो, इस तरह से यू आर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली अलाइन नहीं है, ओके। तो डिसकंटीन्यूअस चार्ज में हम इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में या आईसीएसई में जो सिलेबस में टॉपिक है वो है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज करो मैंने किसी बॉडी पर चार्ज अप्लाई किया है, अब बॉडी किस तरह की हो सकती है, हो सकता है वो लीनियर बॉडी हो, यानी कि एक थिन वायर हो, हो सकता है कि वो प्लेट में हो, स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो, ठीक है, या हो सकता है कि वो थ्री डी स्ट्रक्चर हो। जैसे कि थ्री डी स्ट्रक्चर भी दो तरह से हो सकते हैं, एक तो होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी कैसे है, ओके। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीन टाइप हो सकते हैं, फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो वो एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हो सकता है कि वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको टॉपिक को हमें डिटेल में करना है, ओके। तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो सपोज करो, सपोज कि मेरे पास इस तरह की इरेगुलर बॉडी है, कोई भी बॉडी है मेरे पास, मैंने इसमें कुछ चार्ज इस पे इंड्यूस करा हुआ है, इंड्यूस नहीं मतलब मैंने इसको कुछ चार्ज दे दिया है, प्रोवाइड करवा दिया कई बार से, ठीक है, इस तरह से चार्ज पे फैला हुआ है। तो सपोज करो मैं किसी एक स्मॉल पोर्शन का चार्ज ले रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज कितना है, तो एक स्मॉल पोर्शन का चार्ज में कितना मेजर कर रहा हूँ, लेट डी क्यू, ठीक है। अब यहां पर इससे किसी डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, और एक कैसा चार्ज है, लेट टेस्ट चार्ज, एक कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो मुझे लेट इसका सेपरेशन है, मुझे फाइंड करना है कि ये जो चार्ज है, चार्ज तो पहले पूरे उस पर फैला हुआ है, पूरी बॉडी पर फैला हुआ है, लेकिन स्मॉल पोर्शन इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगा रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो देखो जब यहाँ पे dq ले रहा है तो एक स्मॉल फोर्स में ले रहा हूँ, लेट df फोर्स, ठीक है।
डीएफ फोर्स क्या होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास कोलम्बो का फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज कैसा होता है, फॉर्मूला एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है हमें पता है। तो यहां पर भी जो स्मॉल फोर्स है इस पोर्शन की वजह से वो कितना होगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू होती है। क्यू वन क्यू टू तो क्यू वन कितना हो गया लेट डी क्यू, ओके, और क्यू टू कितना होगा हमारे पास टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा आर आर के पे, यानी कि डायरेक्शन बता रहा है, ओके। तो डीएफ जो स्मॉल पोर्शन इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है वो डीएफ है, डीएफ इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टेड बाय चार्ज डी क्यू ऑन चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट चीजें हैं, देखो हमें टोटल फोर्स निकालना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्मॉल जो डीएफ का इंटीग्रेशन होगा वो कितना है डीएफ का इंटीग्रेशन एफ, and it will be equal to, देखो 1.4 pi epsilon तो constant है, यहाँ से जो charge q note है उसको मैं integration से बाहर ले सकता हूँ, और यहाँ पे कितना बचेगा dq upon r square और r cap, okay? तो हमारे पास force का formula क्या होगा बेटा 1.4 pi epsilon note q note dq upon r square और r cap। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने समझाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज है, इसको मैं यहां पे जब अपॉन में लाऊं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट एंड इट विल बी इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यू। तो एक तो ये फोर्स मिल गया हमें, फोर्स का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर और r कैप। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिसको हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे, एक तो फोर्स का फॉर्मूला और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं चार्ज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो किस तरह से हम फोर्स निकालेंगे और किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको और इसको याद रखना है। अब हम करेंगे तीन पार्ट, किसके, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो देखो मैं आपको तीनों पार्ट्स बताऊंगा। लेट फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कब होगा, जब बॉडी हमारी वन डायमेंशनल होगी, ओके। तो लेट हमारे पास वन डायमेंशनल बॉडी क्या हो सकती है, थिन वायर है, तो इस पर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडली सपोज मेरे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, तो इस पर भी चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो दोनों बॉडी अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों में चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या मेजर, एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल तो नहीं है वो ड्रैग क्वांटिटी कहलाती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो मुझे ये फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। तो एक लीनियर फिजिकल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम सबसे पहले डिनोट करते हैं इसका सिंबल बेटा लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। यानी कि अगर स्मॉल पोर्शन में आप चार्ज देखोगे तो डी क्यू चार्ज अगर वो है और डी एल लेंथ है तो लैम्डा क्या होगा डी क्यू अपॉन डी एल। सपोज करो मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया तो इसमें चार्ज कितना हुआ लेट डी क्यू, और इस पोर्शन की लेंथ कितनी हुई dl। तो चार्ज डेंसिटी हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, चार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा क्या होता है बेटा चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी SI यूनिट क्या होगी लैम्डा की, SI यूनिट ऑफ लैम्डा वो क्या होगी इज, देखो
चार्ज कितना होता है कूलम लेंथ की मीटर, तो ये कितना हो जाएगा कूलम मीटर के बस। तो आपको आपको याद रखना कि लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा डीके अपॉन डीएल और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। फिर फोर्स का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, हमारे पास एक स्मॉल पोर्शन की वजह से फोर्स का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 dQ, यहाँ पे Q नॉट टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ पे R स्क्वायर, यहाँ पे R क्यूब। तो देखो dQ की जगह पर कितना फोर्स आ जाएगा, फोर्स अगर हमें निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे कितना आ जाएगा Q नॉट। देखो dQ की जगह पर बेटा कितना आ जाएगा, dQ की अगर मैं वैल्यू निकालू तो लैम्डा इंटू dL होगा, तो dQ की जगह पर मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इंटू dL अपॉन R स्क्वायर और R क्यूब। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का, कब, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, तो कितना हो जाएगा फोर्स पर टेस्ट चार्ज, यानी कि 1/4πε0 लैम्डा dL अपॉन R स्क्वायर और R क्यूब। ये फोर्स का फॉर्मूला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि चार्ज लीनियरली उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो किसी भी बॉडी पर। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, जब भी बॉडी आपको लगेगी वो वन डायमेंशनल बॉडी है तो उसको हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत थिन वायर हो सकता है, एक सर्कुलर रिंग हो सकती है, होलो रिंग हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड हम चलते हैं, ये लीनियर था यानी कि वन डायमेंशनल बॉडी पर। अब सेकंड हम करेंगे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम बोल सकते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोल सकते हैं, सरफेस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अगर आपको ये याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे चार्ज बस किस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सपोज करो मेरे पास ये डिस्क है, ये क्या है डिस्क, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिस्क के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। हो सकता है कि मेरे पास इस तरह से कोई प्लेट हो, सीट भी बोल सकते हैं इसको, सीट, तो इसको भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये दोनों शेप कैसी में था, ये दोनों शेप है 2D डायमेंशनल शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है सिग्मा इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लैम्डा था dQ अपॉन dL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो मैंने एक स्मॉल पोर्शन लिया, ठीक है, उसमें चार्ज कितना है लेट dQ, और इस स्मॉल पोर्शन का, और इसका जो एरिया है लेट एरिया क्या है dS, तो सिग्मा कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जैसे यहाँ पर था चार्ज अपॉन लेंथ, यहाँ पे क्या होगा चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा किसका रेशियो होता है dQ अपॉन dS का, ओके। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, सिग्मा की एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा कितनी हो जाएगी, आपको पता है जैसे हमने वहां पे निकाली थी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी चार्ज होती है कूलम एरिया, तो कूलम द एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से मुझे फोर्स अगर निकालनी है, सपोज करो कि इस सीट से यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ आर से प्रेजेंट है dQ चार्ज, यहाँ पे स्मॉल पोर्शन है क्यू नॉट चार्ज, dQ की वजह से कितना फोर्स उस पर लग रहा है वो अगर हमें फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं dQ को रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे dQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो dQ इक्वल टू सिग्मा इनटू dS, तो इस फॉर्मूले में dQ की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट, और जो स्मॉल पोर्शन है चार्ज का उसकी जगह पे आएगा सिग्मा dS अपॉन r स्क्वायर और r कैप, ओके। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स पर टेस्ट चार्ज यानी कि 1/4πε0 सिग्मा dS अपॉन r स्क्वायर और r कैप, r कैप क्या है यूनिट वेक्टर, यानी कि वो हमें डायरेक्शन बताएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब थर्ड टाइप ये आपको समझना है कब है, जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। अब थर्ड कौन सा होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो किसी वॉल्यूम में, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने उस पर चार्ज इंड्यूस करवाया, चार्ज उसको मैंने दिया,
तो उसमें चार्ज 3D बॉडी में जो स्फीयर है वो 3D है, सॉलिड है, तो चार्ज क्या होगा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चलेगा, थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा इसके लिए मैं एक बॉडी ले रहा हूं, नेट ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूरे में चार्ज मैंने इसको दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया लेट बार से, ओके। तो यहां पर मैं क्या डिफाइन करूंगा, यहां पर मैं डिफाइन करूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। तो उसको उसका सिंबल जैसे यहां पे सिग्मा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल, यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो, इक्वल टू होता है, सपोज करो मैंने इस स्मॉल पोर्शन में यहां पे 3D स्ट्रक्चर है और इस पोर्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है dq और वॉल्यूम है इस पोर्शन की लेट dv, तो रो इक्वल टू कितना होगा, रो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। इसकी एसआई क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ रो इज, यहां पे हमने निकाला था एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पे कितना है कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, ओके। फोर्स का फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो एफ फैक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो dq है तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इनटू dv, यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो 1/4πε0 q0 रखना है हमें, dq को रिप्लेस करना है रो इनटू dv से अपॉन r स्क्वायर और r के, ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी कि 1/4πε0 रो dv अपॉन r स्क्वायर और r के। तो ये था आपका कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि तीन टाइप के थे, फर्स्ट था लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि जब चार्ज वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि जब चार्ज 2D डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसमें एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं होलो स्फीयर का, होलो स्फीयर, दूसरा एग्जांपल सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, तो दोनों में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो आउटर सरफेस पे तो होगा, यानी कि ये रिंग नहीं है, ये होलो स्फीयर है, ठीक है, रिंग वो था, यहां पे ये रिंग है, तो रिंग पे तो आउटर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, होलो बॉल, जैसे प्लास्टिक की बॉल सब बचपन में खेलते हैं, तो उसमें चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिर्फ उसके एरिया पे, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड था हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। तो आज की क्लास में हम इतने करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी पोर्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।